हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8A सेल्फ प्रैक्टिस परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1-7 हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम क्या है, हाइड्रोजन है, एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 है। What percentage of atom of water molecule is oxygen? तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज उसमें बतानी है। तो हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, right? तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, right? तो हम लिखेंगे टोटल एटम, हम लिखेंगे टोटल एटम इन ए वाटर वाटर मॉलिक्यूल टोटल एटम इन ए वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 एटम क्या है, हाइड्रोजन है, एंड 1 एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे 2 + 1 = 3, राइट? अब हम लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो हम लिखेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन, हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, तो हम लिखेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल, एटम ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल कितना है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1, राइट? अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल हम देखेंगे, टोटल वाटर में कितने मॉलिक्यूल आए हमारे, हमने लिखे हैं 3, तो टोटल तो हम नीचे लिखेंगे, और निकालना किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, 1। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो ये हो जाता है हमारा 100/3। अब 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 9, 1 = 0 उतारा, 3 × 9, ऐसे ही हम करते रहेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 9, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 33.3%, राइट? तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट ना लगा के 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, क्वेशेंट है, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये हमारा क्या है, डिवीजर। हम लिखते किस फॉर्म में, QR/D, तो इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1, रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर नीचे, तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टर्लिंग सिल्वर इज एन एलॉय कंबाइनिंग 925 पार्ट्स ऑफ प्योर सिल्वर एंड 75 पार्ट्स ऑफ एनोदर मेटल सच एज कॉपर। कह रहे हैं स्टर्लिंग सिल्वर इज एन एलॉय है जिसमें 925 पार्ट क्या है, प्योर सिल्वर है, एंड 75 पार्ट क्या है, एनोदर मेटल है, वो क्या है, कॉपर है, जो एनोदर मेटल है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर इज नॉट प्योर सिल्वर। तो हमें परसेंटेज निकालना है स्टर्लिंग सिल्वर में, इसमें कि प्योर सिल्वर क्या नहीं है, उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल पार्ट इन अ स्टर्लिंग सिल्वर इज इक्वल,
टोटल पार्ट पूरा जो स्टर्लिंग सिल्वर है उसमें क्या है 925 प्योर पार्ट्स ऑफ प्योर सिल्वर है एंड 75 पार्ट क्या है अनदर मेटल है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे 925 प्लस 75। जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और 10 8 9 1 10 9 1 10 टोटल पार्ट हमारा क्या आ गया 1000 पार्ट। अब हम लिखेंगे इफ 925 पार्ट्स आर प्योर सिल्वर 925 प्योर सिल्वर है देन द पार्ट विच इज नॉट सिल्वर वो क्या है इफ 925 पार्ट प्योर सिल्वर अगर 925 हमारा प्योर सिल्वर है देन द पार्ट विच इज नॉट सिल्वर जो सिल्वर नहीं है अनदर मेटल है वो क्या है 75 राइट। तो कह रहा है क्वेश्चन में परसेंटेज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर इज नॉट प्योर सिल्वर तो हमें इसका परसेंटेज हमें निकालना है तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ द पार्ट दैट इज नॉट प्योर सिल्वर। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं टोटल पार्ट हम नीचे रखेंगे टोटल पार्ट कितना है हमारा टोटल पार्ट है 1000 तो 1000 नीचे लिखेंगे और निकालना किसका है हमें नॉट प्योर सिल्वर तो इसका कितना है 75 और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 75/10 तो ये 0 हटा के हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.5%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8A का। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रशांत स्पेंड्स 4 hours a day ऑन हिज सेल्फ स्टडी। प्रशांत 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता है 1 hour प्लेइंग वीडियो गेम 1 घंटा वो वीडियो गेम खेलता है एंड 1 hour डूइंग वर्कआउट एट फिटनेस सेंटर और 1 घंटे वो वर्कआउट करता है फिटनेस सेंटर पे। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे उस दिन का परसेंटेज बताओ डज प्रशांत स्पेंड ऑन दीज एक्टिविटीज। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रशांत स्पेंड टाइम प्रशांत स्पेंड्स टाइम ऑन एक्टिविटीज इज इक्वल टू हम लिख देंगे 4 hours सेल्फ स्टडी 4 hours क्या करता है वो सेल्फ स्टडी करता है प्लस 1 hour वो क्या करता है वीडियो गेम खेलता है 1 hour वीडियो गेम प्लस 1 hour वर्कआउट 1 hour वर्कआउट। तो हम काउंट करेंगे वो कितने घंटे वो स्पेंड करता है 4 + 1 = 6 6 hours वो क्या करता है एक्टिविटी करता है राइट। और 1 day हमारा क्या होता है एक दिन हमारा कितने घंटे होते हैं 24 hours होते हैं राइट। अब हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ए डे हमें क्या निकालनी है परसेंटेज ऑफ अ डे प्रशांत स्पेंड दीज एक्टिविटीज
on activities. हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे हावर एक दिन में हमारे कितने होते हैं 24, तो 24 हावर हम नीचे लिखते हैं, टोटल हम नीचे लिखते हैं, उसमें कितने घंटे वो एक्टिविटी करता है 6 घंटे, तो 6 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कट करेंगे 6 से 6 चौक 24, 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर आ जाता है हमारा 25%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक्सरसाइज 8A आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, अब नई एक्सरसाइज शुरू होगी 8B। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।